सो गाइज, आपको यूपी हतारस कांड के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से ये रेप हुआ था। तो मैं अपने आर्टवर्क के ज़रिए जस्टिस मांगने की कोशिश कर रहा हूँ और गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ अपने आर्टवर्क के ज़रिए। आई होप आप लोग भी मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो इस बार मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस एक छोटा सा काम कीजिए कि कमेंट सेक्शन में #justiceformanishavalmiki लिख दीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये पहुँचे। तो मैं हूँ आपका दोस्त ज़फ़र इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़फ़र स्टूडियो में, जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो गाइज, आपने सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो जो है यानी बैकग्राउंड यहाँ पर ओपन कर रखी है। आपको सिंपली जाना है ऐड फोटो में और यहाँ से आपको क्या करना है, अपना मॉडल चूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू इरेज बैकग्राउंड। उसे देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दे दिया और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो उसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एडिटिंग के बारे में। इसके बाद मैं आपको लेडी जो है, यहाँ पर एक लड़की का मॉडल है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर विंग ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने विंग का एक पीएनजी ले लिया है और आपको सिंपली यहाँ पर ले जाना है यहाँ पर मॉडल के पास और पीछे की तरफ कंधों के पास इस तरह सेट करना है और लेयर में जाकर मूव डाउन कर देना जिससे ये पीछे चला जाए। ओके, अब हमें क्या करना है, एक बार इसे कॉपी कर लेना है क्योंकि यहाँ का हिस्सा जो थोड़ा खाली लग रहा है, मैं इसको मूव डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद इरेजर में जाकर आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है और ये रहा हमारा ब्रश। ब्रश से कुछ हिस्सों को हमें पेंट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली आपको पेंट कर लीजिए तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक ही फेदर का हिस्सा है, राइट। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। और आई एम रियली सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मेरा नाइट शिफ्ट हो गया और मुझे सुबह में आकर ये वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ पर हमें शैडो ऐड करना है। तो एक मैंने ब्लैंक फ़ोटो ले लिया है, आपको लड़की के पास ले जाना है और इसे मूव डाउन कर देना है। इरेजर में जाना है और इन्वर्ट पर क्लिक करके इसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा पेंट कर लेंगे। मैं किस तरह से पेंट कर रहा हूँ आप देख लीजिए, इस हिस्से को बिल्कुल हल्के हल्के करके पेंट करेंगे तो यहाँ पर ये शैडो बन जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को हमें डाउन कर देना है जिससे क्या होगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 76% के पास में रखा है शैडो को, पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब इसको डन कर देते हैं क्योंकि अगर एक ही लेयर पे सारा काम करेंगे तो ये फ़ोन हैंग हो जाएगा और फिर उसके बाद तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो में फिर से जाना है और यहाँ से मैंने हथकड़ी जो है इसकी एक पीएनजी ले ली है। आपको पहले इसका ब्राइटनेस जो लेवल है उसको कम कर देना है और इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको जूम कर लूँगा और जूम करके हाथों के पास इसे सेट करना है, तो फ्लिप एंड रोटेशन पे करके इसको फ्लिप कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको जूम करके हाथों के पास इसे अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये रहा, देखिए इस तरह से सेट कर लेना है आपको, फाइन। अब मैं यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और ऐड फोटो में जाकर यहाँ से हमें क्या करना है, एक चेन की पीएनजी ले लेनी है। मैं इसको फ्लिप एंड रोटेट कर लेता हूँ इस साइड में और इसका जो पहला सिरा है उसको ठीक हमें क्या करना है, हथकड़ी के पास इस तरह से जोड़ना है। ओके, मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, परफेक्टली ऐड हो गया। अब आपको इरेजर में जाना है और इसका हार्डनेस फुल करना है, जूम करना है और ये एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। बिल्कुल केयरफुली इरेज कीजिएगा ताकि आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो ज़्यादा ना इरेज हो। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो चेन टूट रहा है तो इसका कुछ पार्टिकल्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह से। ओके, मैंने थोड़ा सा बनाया और बाकी पार्टिकल्स हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड फोटो में चलते हैं, पहले मैं इसको डन कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड फोटो में गया और ये रहा हमारा पीएनजी जो कि टूट चुका है, यानी ब्रोकन चेन जो है मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं, इसका कलर और हमारा
जो पुराना चेन है उसका कलर, दोनों का कलर बहुत अलग है, राइट। तो हमें इसका कलर जो है एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस को क्या करेंगे पूरी तरह से -100 पे कर देंगे या 91 के पास में भी रखेंगे तो चलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसे कम कर दिया है, तो देखिए ये पूरा पुराने वाले चेन के साथ एकदम मैच खा रहा है, राइट। अब आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से एक एरो ले लेना है। मैं हाथ में एक एरो दे रहा हूँ क्योंकि हाथ खाली था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर क्या ऐड करूँ, तो एरो अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब आपको इरेजर में जाना और एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है मैं उसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट्स भी इरेज हो चुकी है, तो देखिए हाथ में एकदम बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइट। अब आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर का एक फ़ोटो ले लेना है। इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे हमें क्या करना है कि शैडो बनाना है। तो हमारा जो मॉडल है वो हवा में उड़ रहा है, राइट, तो हमें नीचे शैडो बनाना है। तो आपको इरेजर में जाना है, इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रश में थोड़ा सा शैडो बना लेना है। तो देखिए दो पंख बनाया मैंने, एक बॉडी बनाया, यहाँ पर इसे रखा है, राइट, और इसका ओपेसिटी मैं डाउन कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा चपटा भी कर देता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा और स्क्वीज करना ठीक होगा। मैं ऊपर से और थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ, ओके, परफेक्टली। यहाँ पर चेन का शैडो मैंने नहीं बनाया, तो मैं काम करता हूँ चेन का भी शैडो बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर चेन भी आ रही है, राइट। तो ये वाले हिस्से से ऐसे मैंने चेन भी बना लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शैडो बनाएंगे, जैसा भी शैडो बनाएंगे आपका ज़रूर चलेगा। और इसकी ओपेसिटी 13-10% के बीच में रखिए, राइट। अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको लेना है एक टेक्स्ट PNG। यहाँ पर जस्टिस नो मोर साइलेंस का मैंने एक PNG बना रखा है, तो आप ये इस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सेट करने के बाद यहाँ पर आपको हाथ ऐड करना है, यानी कि लड़की को बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हैंड्स बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा क्रीपी हैंड है, तो मैं इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ, ये रहा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि रियल लगना चाहिए। अब इसकी एडजस्टमेंट को चेंज कर देते हैं। एडजस्टमेंट में जाकर इसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन का लेवल जो है वो थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है फ़ोटो में, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया और इसके बाद और भी दो चार हैंड्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये वाला हाथ यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, ओके, काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा है। अब मैं इसका जो एडजस्टमेंट चेंज कर देता हूँ, वही सैचुरेशन कम करेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस को हल्का सा, बिल्कुल हल्का बढ़ाएंगे, ओके। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जो दूसरा हाथ है मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये रहा। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ सेट करता हूँ, ये रहा, नीचे की तरफ बड़ा कर लेता हूँ और जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा हैंड्स है मैं इसको इरेज कर लूँगा सिंपली। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट किया और स्विच कर दूँगा इसको इन्वर्ट करके, और जिस हिस्से को मुझे रखना है उस हिस्से को मैं पेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली इसको पेंट कर लिया, फाइन। अब मैं इसको डन कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में, ओके। तो यहाँ पर ये एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर और कुछ लगेगा। अब हमें थोड़ा सा ब्लर करना है, तो इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे। ब्लर के में आपको क्या करना है कि इरेजर में जाना है, स्विच करना है, जूम करना है और नीचे जो हमारा शैडो है इसको हमें थोड़ा सा ब्लर कर देना है। नीचे का हिस्सा वाइट है इसलिए मैं ब्लर कर रहा हूँ बाद में, क्योंकि समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, राइट। अब मैं इसको ब्लर करके इसके बाद आपको सिंपली इसे डन करना है, और ब्लर का जो अमाउंट है उसे हम कम रखेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है हमें। करीब 7% का ब्लर मैंने यूज़ किया यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपली मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको डन कर देता हूँ, फाइन। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को सिंपली सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल में, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद इस फोटो एडिटिंग को कर लेंगे सेव। अब हमें थोड़ा सा कलर का करेक्शन करना है। कलर का करेक्शन करने के लिए आपको लाइटरूम एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री होगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब आपको सिंपली जाना है लाइट में। लाइट में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ और हाइलाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा घटाना ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। और यहाँ पर मैंने वाइट को बढ़ाया और ब्लैक्स को थोड़ा सा घटाया है। कलर में आ जाएंगे,
कलर में हमें क्या करना है, वाइब्रेंस को बढ़ा लेते हैं करीब 31% मैंने या 32% बढ़ाया है, और सैचुरेशन को ठीक उतना ही माइनस कर देंगे, जिससे ये क्या होगा कि कलर जो फोटो में विब्रेंस आ जाएगा लेकिन कलर जो है थोड़ा सा वैसे ही डार्क रहेगा। इफेक्ट में चलते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करते हैं, बिल्कुल ज़रा ज़रा अमाउंट में ऐड करेंगे, 7% 9% की क्लैरिटी दे रहे हैं और DS भी 7 या 6% दे रहे हैं, राइट, तो बिल्कुल ज़रा ज़रा देंगे क्योंकि ज़्यादा देने से फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी और लुक भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने शार्पनेस ऐड किया है, 43% का शार्पनेस ऐड किया, राइट। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कलर का ग्रेडिएंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कलर ग्रेडिएंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जाना होगा यहाँ से सेलेक्टिव टूल में। सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से नीचे से राइट साइड के बॉटम कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कलर में जाना है, कलर में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए कौन सा कलर बेस्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर पहले चेक कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने यू जो है 163 का यूज़ किया है, 161 का यूज़ किया और सैचुरेशन 47 मैंने यूज़ किया, राइट। अब इसके बाद फिर से आपको कलर ग्रेडिएंट जो है यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लेना है यहाँ पर, और ये वाले हिस्से को हमें क्या करना है, इसको भी कलर इसका ग्रेडिएंट चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा स्काई कलर लिया था, यहाँ पर मैं थोड़ा रेडिश टाइप का कुछ ट्राई करता हूँ। आई थिंक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ओके ये अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको यूज़ कर रहा हूँ, या यू जो है आपका 83 का यूज़ कर रहा हूँ यू, ओके। तो ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ इस्तेमाल किया है काफ़ी अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है, राइट, बहुत अमेजिंग लग रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, इस फोटो एडिटिंग को कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।